Hello friends, welcome all of you on my next GST session input service distribution. नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ GST का input service distribution session में. इस session में हम लोग discuss करेंगे input service distribution क्या होता है, उसके प्रोसीजर क्या होते हैं, किस मैनर में वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट है क्या. तो अगर आप मेरी स्लाइड नंबर 2 में जाएंगे तो इसमें टॉपिक जो मैंने कवर करे हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन के, तो सबसे पहले मैंने लिया है इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स. इसके बारे में थोड़ी डिटेल मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करी है. उसके बाद आता है कंडीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. फिर तीसरा टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ रिकवरी ऑफ एक्सेस क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट फॉर इनपुट क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं इनपुट क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, क्या क्या रिटर्न फाइल करते हैं और क्या इनका सिग्निफिकेंस है ये हम देखते हैं. सिक्स टॉपिक है कंप्यूटेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईएस इनपुट क्रेडिट बाय आईएसडी और लास्ट का टॉपिक है प्रोसीजर. सो टॉपिक नंबर 1 में आता है इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन. सो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली इसलिए आया कि जिससे गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को किसी तरह का रिवेन्यू लॉस ना हो. तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन का एक्सप्लेन करा है, प्लस डेफिनेशन जो जीएसटी में है उसका एक कंसाइज डेफिनेशन मैंने यहाँ दी है. तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल जो है जीएसटी में, उनके लिए फॉलोइंग कंडीशंस दे रखी है. पहले तो क्या है, जो सप्लायर है हैव ए हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिस होना चाहिए. मतलब कि जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है वो सप्लायर भी है और वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर भी है. यानी कि एक यूनिट, एक बंदा एक यूनिट है रजिस्टर्ड पर्सन, वही इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वही सप्लायर ऑफ क्रेडिट होता है अगर उसने कोई टैक्स इनवॉइस रिसीव करा हो और वो सर्विसेज जो हैं जिसके लिए वो टैक्स में रिसीव किया है वो यूज़ करी गई हों उसकी कंसर्न्स के द्वारा, यानी कि उसकी यूनिट हो, फैक्ट्री हो, अदर स्टेट में हो या इसी स्टेट में हो. तो इनपुट सर्विस का पहली बात हो गया हेड ऑफिस होना चाहिए, उसने टैक्स इनवॉइस रिसीव कराओ. यहाँ पे सर्विस रिसीव बाय हेड ऑफिस और एच ओ रीजनल ऑफिस का मतलब ये है कि ही हैज़ रिसीव टैक्स इनवॉइस ऑन द बिहाफ ऑफ दीज यूनिट्स एंड दीज इनपुट सर्विसेज यूज बाय देयर यूनिट्स लाइक फैक्ट्री, ऑफिस, ब्रांचेज विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट्स. इट मे बी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, इट मे बी आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर्स. ओके, सो डेफिनेशन, व्हाट डेफिनेशन सेज, इट सेज ऑफिस ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज विच रिसीव टैक्स इनवॉइस रिलेटेड टू इनपुट सर्विसेज एंड इशू आईएसडी इनवॉइस, आईएसडी क्रेडिट नोट फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग क्रेडिट ऑफ जीएसटी टू द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज बोथ. तो इस डेफिनेशन को अगर हम 3-4 पीसेस में समझें तो पहले तो ये है कि ऑफिस ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज, ओके, उसने टैक्स इनवॉइस रिसीव करा जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया आपको रिलेटेड टू द इनपुट सर्विसेज. देन उसने एक आईएसडी इनवॉइस इशू करा किसको, अपनी यूनिट्स को या फैक्ट्रीज को या ब्रांचेज को टू डिस्ट्रीब्यूट दैट क्रेडिट विच ही रिसीव इन फॉर्म ऑफ टैक्स इनवॉइस और इनपुट सर्विसेज and transfer these input credited based on the computation which we will discuss later and give the credit to these units who use that services. जिन्होंने ये services use करी हैं उनको distribution दे दिया. तो इससे हुआ क्या कि एक स्टेट या यूनिट ने तो दूसरी स्टेट में जिसने ट्रांसफ़र करा और हेड ऑफिस दूसरी स्टेट में है तो ISD के थ्रू ISD लगा के उसको क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ठीक है, ये था टॉपिक नंबर 1.
टॉपिक 1.1 में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन दी है, जैसे रिसिपिएंट ऑफ क्रेडिट क्या होता है, टर्नओवर क्या होता है, रिलेवेंट पीरियड क्या होता है। इन तीनों डेफिनेशंस का बहुत इम्पोर्टेंस है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन में। सो रिसिपिएंट ऑफ क्रेडिट मीन्स अ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ हैविंग सेम पैन एज ISD हैज। इट मीन्स ISD का जो पैन नंबर है जिसके बेस पे उसको GST नंबर दिया गया है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन नंबर दिया गया है, वही पैन नंबर सेम उसकी यूनिट्स, फैक्ट्री, ब्रांचेस, डिवीजन को दिया गया होगा, क्योंकि एक टैक्सेबल पर्सन के मल्टीपल GST नंबर हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है GST में, पहली बात तो ये रिसीवमेंट। तो इसको हम इन शॉर्ट हम कहेंगे रिसीवमेंट क्रेडिट क्या हुआ, जो ब्रांचेज हैं, फैक्ट्रीज हैं और यूनिट्स हैं उनको जो ये क्रेडिट यूज़ करेंगी। टर्नओवर के केस में एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई एंड एक्सपोर्ट सप्लाईज, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 and 4 सप्लाईज, बट वी विल एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच वी यूज RCM कॉन्सेप्ट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। वी हैव टू एक्सक्लूड दो सप्लाईज, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, सेस, एक्साइज, ऑल टाइप ऑफ टैक्स वी हैव टू एक्सक्लूड। सो वाट एवर द अमाउंट कम आफ्टर दिस कैलकुलेशन इट इज कॉल्ड टर्नओवर। फॉर वाट पीरियड वी हैव टू कंसिडर टर्नओवर फॉर दिस डेफिनेशन नंबर 3 रिलेवेंट पीरियड। दे आर टू सिचुएशंस, इन केस देयर इज अ टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर, समझिए करंट फाइनेंशियल ईयर के किसी महीने में आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और पिछले साल इन यूनिट्स की टर्नओवर थी, तो पिछले साल की टर्नओवर आप लेंगे जो 31 मार्च 2000 XYZ को क्लोज हो रही है, उस टाइम जो उनकी टर्नओवर थी पूरे साल की। वो जैसे एग्जांपल मैंने दिया है कि 2019-20 मान लीजिए जनवरी में आपके पास कुछ इनपुट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको यूनिट्स का, 31 मार्च 2019 तक की आपके पास टर्नओवर अगर है उन सबका टोटल कीजिएगा, जितने भी रिसिपेंट्स हैं जिनको भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। अगर टर्नओवर नहीं है तो जिस मंथ आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो उससे पहले जो भी क्वार्टर है, मान लीजिए जनवरी का है तो दिसंबर तक का, दिसंबर क्वार्टर का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की जो टर्नओवर है अगर अवेलेबल नहीं है पिछले साल की टर्नओवर की डिटेल, तो उस क्वार्टर का, उससे पहला जो क्वार्टर है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी के लिए, ठीक है, उसको टर्नओवर आप ले लीजिए, उसके बेस पर आप कैट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये थी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन का चैप्टर 1.1। नाउ टॉपिक नंबर 2, कंडीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनपुट क्रेडिट बाय ISD। तो इसमें जो है हमें 5 बातें हमें ध्यान रखनी है कि सबसे पहली बात तो ये रखनी है कि जो भी इनपुट क्रेडिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो थ्रू ISD, इट शुड नॉट बी मोर देन वाट एवर द इनपुट टैक्स यू हैव इन फॉर्म ऑफ टैक्स इनवॉइसेस। मतलब कि जितने भी टैक्स इनवॉइस जो इनपुट से रिलेटेड है उनका जो भी क्रेडिट आपने कैलकुलेट करा है उससे ज़्यादा आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते अपनी यूनिट्स को, ठीक है। इनपुट क्रेडिट ऑन इनपुट सर्विसेज एलोकेटेड टू दोज रिसिपिएंट्स हु यूज दैट सर्विसेज, यानी कि उन्हीं यूनिट्स को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिन्होंने ये एक्चुअल में यूज़ करी हैं। इनपुट सर्विस शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, हमने डेफिनेशन वाली स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे टर्नओवर का क्या यूज, किस कॉन्सेप्ट से हम इसको फॉलो करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर है इनपुट सर्विस is available for distribution to the eligible recipient which are operational during the year, यानी कि जो उस साल एक्टिव यूनिट्स थी, ब्रांचेस थी, डिविजन्स थी, जो एक्टिव हैं उस साल और जिन्होंने ये सर्विसेज यूज़ करी हैं उन्हीं को ही आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कोई डिसकंटिन्यू होगी तो एक्सक्लूड कर देंगे हम, ठीक है। तो इसके के ये है कंडीशंस जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 3 में आता है प्रोसीजर ऑफ रिकवरी ऑफ एक्सेस क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन। एक तरह से आप तो समझ सकते हैं इट इज़ अ प्रोसीडिंग रिलेटेड टू पैनल एंड इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम द यूनिट्स एंड द सर्विसेज हु मिस यूटिलाइज और हु यूज द एक्सेस क्रेडिट।
इसका मतलब ये है कि एक्सेस क्रेडिट होता क्या है, इनपुट क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एसडी इज मोर देन इनपुट क्रेडिट यूज बाय द रिसिपिएंट ऑफ क्रेडिट सर्विसेज। कहने का मतलब ये है कि इनपुट क्रेडिट ने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एसडी ने, तो अब इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिसिपिएंट यूनिट टू रिवर्स दैट ट्रांजेक्शन, रिवर्स दैट एक्सेस क्रेडिट। वो कैसे रिवर्स करती है, बाय फाइलिंग द DRC03 फॉर्म। ये पोर्टल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं यूजर सर्विसेज में जाके। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ एक ये है कि जो भी आप रिवर्सल करेंगे उस पर इंटरेस्ट भी देना है। कब से कब तक देना है, जिस दिन से वो लिया है और जब आपने रिवर्स करा है जिस डेट को, उसके बीच के जो पीरियड का डिफरेंस हो उसके हिसाब से, ठीक है। और इन केस यूनिट डज नॉट पे द एक्सेस क्रेडिट, सो पैनल प्रोसीडिंग में भी इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट बाई इशू अ शॉक वॉज नोटेड बाई DRC07 फॉर्म, मीन्स डिमांड से रिलेटेड जो होता है ये DRC07 डिमांड, और पेनल्टी प्रोविजन भी लगा सकते हैं लोग। तो ये तो करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो एक्सेस क्रेडिट में जब भी आप डिस्ट्रीब्यूट करें किसी भी तरीके का, तो आप इसको ध्यान में रखें। अब यहाँ पे मैंने कुछ है कि टॉपिक नंबर 4 में ये मैंने बताया है कि रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो इनपुट्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन से क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको टैक्स इनवॉइस चाहिए होता है, इनपुट सर्विसेज का वो होना जरूरी है, उसी के बेस पे आप कैलकुलेट करेंगे कि मेरा कितना मुझे को इनपुट क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है अपनी यूनिट्स को। फिर उसके बाद क्या होता है कि ISD अपना एक इनपुट क्रेडिट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन इनवॉइस तैयार करता है, जिसमें क्या क्या होगा, नेम एड्रेस GST नंबर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होगा, नेम एड्रेस GST नंबर रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज जिसको हम दे रहे हैं उसका होगा, डेट ऑफ इशू जिस दिन हमने वो डेट करा है, सीरियल नंबर जो भी कॉन्सेप्ट है अल्फा न्यूमेरिक स्पेशल करेक्टर सेम एज GST टैक्स इनवॉइस, कितना अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें होगी, और फिर मैनुअल सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर करके इशू कर दिया जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ लिख रखा है एक्सेप्ट बैंक NBFC-REFI, इसका मतलब ये है कि उनके केस में ज़रूरी नहीं है कि वो एक इनवॉइस इशू करें, उनके लिए इनवॉइस की डेफिनेशन को चला के उसमें सीरियल नंबर होना ज़रूरी नहीं होता, तो उनके लिए कुछ छूट दिए गए, नंबर वॉल्यूम उनके यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये था टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 5 में मैंने एक्सप्लेन करा रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये है क्या, ठीक है, जो भी उसने टैक्स इनवॉइस ISD के रेज करे, अब सब कुछ आपको पता ही है कॉमन पोर्टल पे होता है, सारा ऑनलाइन है, तो कैसे वो रिफ्लेक्ट करे क्रेडिट जिससे वो यूनिट सर्विसेज हैं ब्रांचेज हैं वो इसको क्रेडिट को यूज़ कर पाए। तो उसके लिए होता क्या है कि वो एक मंथली रिटर्न सबमिट करता है हर एक महीने की नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख को। जैसे मान लीजिए जनवरी की अगर है, 31 जनवरी तक जो भी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन की गई है वो 13 फरवरी जो ड्यू डेट है उससे पहले पहले उसको सबमिट करते हैं, जिससे वो यूनिट अपना क्रेडिट ले सकें 20 तारीख को, ठीक है। अगर किसी का कोई किसी मंथ में कोई IS इनपुट क्रेडिट है ही नहीं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो कोई रिटर्न जरूरत नहीं है फाइल करने की। इनपुट क्रेडिट जो अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिस महीने का, वो उसी महीने डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसको नेक्स्ट मंथ नहीं कर पाओगे आप। इनपुट क्रेडिट जितनी भी ये डिटेल्स आएंगे, जितने भी ISD टैक्स इनवॉइस क्रेडिट नोट उसने इश्यू करे हैं, वो GST R6 फॉर्म में वो सबमिट कर देगा 13 तारीख को जो होगी। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जैसे हम देख रहे हैं 17-18 एनुअल रिटर्न की एक्सटेंड कर देते हैं लोग, 3B की कर देते हैं, GST R की 1 की कर देते हैं, तो 6 की भी कर सकता है, ये पावर जो है कमिश्नर के पास होती है, कोई नोटिफिकेशन इशू करके इसको कर सकता है। चलिए आगे टॉपिक नंबर 6 में ये है कि कंप्यूटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो मैं कि कैसे वो जो अमाउंट रिफ्लेक्ट करनी है हमें ISD टैक्स इनवॉइसेस में, उसका प्रोसेस क्या है। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास टैक्स इनवॉइसेस आ गए, अब आपने उसमें GST के प्रोविजंस लगाए,
भैया कौन से एग्जेम्प्ट है, कौन से एलिजिबल देने हैं, कौन से इनपुट क्रेडिट देना नहीं देना। तो सबसे पहले आप इन एलिजिबल क्रेडिट, इसको हम ब्लॉक क्रेडिट बोलते हैं, वो आप अलग से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इस पर वो क्लेम ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद सी जी एस टी, जी एस टी, आई जी एस टी के हिसाब से आपको इनवॉइस रेज करने हैं, आई एस डी टैक्स इनवॉइस। कैसे कैसे, मान लीजिए आपकी यूनिट अदर स्टेट में है तो आई जी एस टी देना पड़ेगा, एक ही स्टेट में है तो सी जी एस टी, जी एस टी का टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट आई एस डी इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। ये चीज़ें यहाँ पर रिसिपेंट का मतलब ये है कि रजिस्टर्ड हो चाहे नॉन अनरजिस्टर्ड हो, दोनों ही को ही आपको इंक्लूड करना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए। तो अगर भैया यूनिट अनरजिस्टर्ड है तो लॉस है हमें, ठीक है ना, हमारे तो एक्सपेंसेस बन गए। रिसिपेंट सप्लाई एग्जेम्प्टेड नॉन एग्जेम्प्टेड किसी भी तरीके की देता हो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो मैंने पॉइंट नंबर थ्री, आई एस डी फॉर ईच रिसिपिएंट इजक्वल टू ए आई सी डी इजक्वल टू मल्टीप्लाई बाई टी ई आर डिवाइडेड बाई ए टी आर, तो इनकी फुल फॉर्म मैंने दे रखी है, टर्नओवर ऑफ ईच रिसिपिएंट, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ऑल रिसिपिएंट एंड एग्रीगेट इनपुट क्रेडिट सर्विसेज, ठीक है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे आपका हर एक ईच रिसिपिएंट की आई एस डी निकल के आएगी, जितना उसे क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है। तो ये स्लाइड थोड़ी इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के लिए। अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक नंबर 7 मैंने प्रोसीजर बताया है, जो सब चीज़ का सार है कि होता क्या है कि पहले ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस रिसीव करता है चोर आर ओ, फिर वही इनपुट क्रेडिट जो है आर ओ आई एस डी को ट्रांसफ़र कर देता है रिटर्न में सबमिट करके। तीसरे उसमें कंप्यूटेशन करी जाती है, जो मैंने पीछे स्लाइड टॉपिक नंबर 6 में कवर करा है, वहाँ पे सारी कंप्यूटेशन होती है, जो भी एलिजिबल रिसिपिएंट्स हैं, जो भी उनके टर्नओवर है, जो अगर पीरियड है, सभी कंप्यूटेशन करके एलिजिबल इन एलिजिबल में डिवाइड करके। चौथे में जो आई एस डी है वो आई एस डी इनवॉइस इशू करता है अपनी यूनिट्स को, ब्रांचेस और डिविजन्स को जो भी उसकी हैं, और इन डिटेल्स को वो सबमिट कर देता है जी एस टी आर 6 फॉर्म में, वहाँ पे जो यूनिट सर्विस ब्रांचेस हैं वो इसका क्रेडिट ले लेती हैं। तो ये एक चेन है, इस चेन के भी यहाँ पर एक कम्प्लीट प्रोसीजर ये लोग फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों थैंक यू सो मच, मैं आशा करता हूँ, आई होप दैट दिस टॉपिक गिव्स यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन द अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ आई एस डी, हाउ टू यूज़ इट, एंड इफ यू वांट्स टू एनी टॉपिक टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द जीएसटी, इनकम टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और एनी टाइप ऑफ एक्ट, सो यू मे ड्रॉप अ मेल ऑन माई ई मेल आई डी info@rsassociate.co.in एंड गिव मी टाइम और वीक, I will prepare and upload it on the YouTube channel, so it may be help you. Thank you very, very much. Have a good day.